अंबेडकर के दुश्मन भाग तीन। आप अंबेडकर के दुश्मन भाग एक और भाग दो जरूर देख लें। भाग तीन में जो एक्सपीरियंस है वो बड़े कमाल के हैं। एक नेता एक बहुत रेपुटेटेड संगठन चलाते हैं, पूरे भारत में नाम है, अब तो किताब में भी छपने लगा है, तो घमंड उनका साथ में आसमान पे है। और उस संगठन के 7-8 टुकड़ों का नाम तो मैं जानता हूं, उसमें से एक टुकड़ा है। टुकड़ों में बटा हुआ संगठन है मगर घमंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ नंबर मांगे कि हम आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिना उसके हमारी गति नहीं है, हमारा काम नहीं चलेगा, हम भी इस दिशा में काम करना चाहते हैं। तो मैं अमूमन सबको नंबर दे देता हूं जो मेरे पास होते हैं, मैंने उनको नंबर दे दिए। फिर उनका फोन आया कि हमारी बातचीत ऐसी हुई है, तो मैंने कहा कोई तरक्की हुई? उन्होंने कहा जी हाँ हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप जो मीटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मीटिंग करेंगे तो खुद उसको लीड करेंगे, आप कहेंगे अब हमने मीटिंग की है तो आप हमारे साथ आ जाइए। क्या? हाँ जी। मैंने कहा सारे संगठनों का यही दिक्कत है कि जो भी आदमी मीटिंग कर रहा है अंबेडकर और बुद्ध के विचारों की या फूले के विचारों की, वो यही कह रहा है कि अब मैंने मीटिंग की है, अब मैं तुम्हारा लीडर हूं, अब मेरे साथ तुम आ जाओ, और उसकी दूसरी मीटिंग नहीं होती है। आप ऐसा करो कि आह्वान करो कि या तो हमको सब में मिला लो या हम में सब मिल जाओ, यानी आप अपने आप को पेश करो कि हम सबके साथ चलने को तैयार हैं, तो शायद बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। कह रहे जी ऐसा तो होगा नहीं, संगठन खत्म हो जाए। तो अगर संगठन खत्म नहीं होंगे तो भाई आप कैसे बुद्धिजीवी हो, आप कैसा संगठन चला रहे हो, आप कैसे नेता हो? आप मुझे बताओ कि अगर संगठन एक दूसरे में विलय नहीं होंगे, अगर संगठन एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, तो ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे आपने ये कहा कि हमें समाज के लिए, सारे गरीब लोगों के लिए खीर बनानी है, तो अपना अपना दूध लेके आ जाओ भाई। तो सभी अपने अपने दूध की थैली, आजकल पॉलिथीन आती है, कोई 5 थैली ले गया, कोई 7 थैली ले गया दूध की, सब ले गए कि ये लो भाई दूध और इसकी खीर बना लो। और आपने सबने अपना दूध उस कढ़ाई में डाल दिया और थैली आपने खोली नहीं। जब आप थैली खोलोगे नहीं और आप दूध कढ़ाई में डाल दोगे तो दूध तो मिला नहीं कढ़ाई में, तो थैलियों में पैक है अलग से, तो जब आपका दूध मिलेगा नहीं तो खिचड़ी खीर बनेगी कैसे? और अगर पैकेट के साथ उसको उबाल दिया तो पैकेट तो प्लास्टिक का है, उसमें जब जलेगा तो सारी खीर सड़ जाएगी, तो जहर बन जाएगी। तो आपको भाई इतनी बुद्धि नहीं है, आप क्या संगठन चलाते हो कि आप अपने संगठन का या तो विलय करो या इसमें कोई विलय करो, आप इसकी शुरुआत करो। आप अलग 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 संगठन भी बना के रहोगे और संगठन का एक भी करोगे, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, कोई भी नेचुरल सिद्धांत काम ही नहीं करता इसके ऊपर। आपने एक तो संगठन अलग अलग बनाए, वही आपने महापाप किया, वही आपने लोगों के साथ धोखा किया। आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप संगठन के टुकड़े करें। मुझे एक एग्जाम्पल बता दो, एक आदमी बता दो जिसने ये कहा हो कि आप संगठन से टूट जाओ। आपका अहम होता है, आप टूटते हो। आप में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, आप टूटते हो। संगठन के नेता ही इकट्ठे नहीं रह सकते, वही अलग अलग होते हैं, तो हमको क्या इकट्ठा करोगे? ये क्वालिटी आपके अंदर है ही नहीं। अगर आप में हमें इकट्ठा करने की क्वालिटी होती तो आप खुद भी इकट्ठे होते। आप इतने नाकाबिल लोग हो कि आप संगठन के टुकड़े 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 करके और अपने ईगो के साथ में रहते हो और कहते हो कि ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है। अरे वो आदमी खराब है तो आप तो अच्छे थे, अगर वो संगठन को तोड़ रहा था तो आप तो अच्छे थे, आप संगठन को बना के रखते। या आप सारे लोगों को बताते कि संगठन के ये कारण हुए, इसके साथ नहीं जाते। कुछ लोग उसके साथ गए, कुछ आपके साथ गए, तो संगठन को चलाने की आप में, दोनों में, किसी में, तीनों में, चारों में अहमियत नहीं है, क्योंकि संगठन के टुकड़े नेताओं ने किए हैं, लोगों ने कभी संगठन के टुकड़े नहीं किए। कोई भी उदाहरण मुझे दे दो जबकि लोगों ने यह कहा हो कि आप संगठन के टुकड़े कर दो। इसलिए नेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि नाकाबिल वो हैं तो इकट्ठा वो करेंगे, उनको इकट्ठा होना है। पब्लिक की जिम्मेदारी यह है कि पब्लिक आपको इकट्ठा होने का समय दे रही है, आप इकट्ठे हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप और आपका संगठन आप लेके बैठे रहिए, हमें आपके संगठन की जरूरत नहीं है। ना हम इसको चंदा देंगे, ना हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना हम इसका कहीं नाम लेंगे, ना ही हम आपको मान्यता देंगे। वो कह लेंगे जी ऐसा तो होगा नहीं। मैंने कहा ऐसा ही होगा, क्योंकि संगठन जो बने हैं वो आपने अपनी मर्जी से बनाए। आप खुद क्या बोलते नेता बने हो? आप मुझे बता दो, पब्लिक ने कभी कहा हो कि ये लो हमारी तरफ से लेटर, हम आपको नेता बनाते हैं? आप खुद समाज सेवा में आए हो, मुझे दिखा दो कभी पब्लिक ने आपको कोई मेमोरेंडम दिया हो, लिख के कहा हो कि अब आप समाज सेवा करो, अब आप संगठन बनाओ। आपने अपनी चॉइस से ये काम लिया, अपने आप आपने जिम्मेदारी ली, तो इसलिए ली थी कि आप नेता बनोगे, इसलिए ली थी कि आपका नाम बनेगा, इसलिए ली थी कि आप अहम और ईगो आ जाएगा, इसलिए ली थी कि आप सही से काम नहीं करोगे? कौन सा रिजल्ट लेके आए आप? मुझे आप रिजल्ट बताओ।
जब लोग रिजल्ट पूछते हैं तो आप बात नहीं करते, आप एक रिजल्ट दिखा दो जो अब तक आया हो, या कौन सा प्लान आपके पास है जिसके तहत में हम आगे बढ़ने वाले हैं या बचने वाले हैं, कोई प्लान होता आप मुझे दिखा दो। तो कहने लगे जी लोग तो क्या बोलते हैं नहीं इकट्ठे होंगे। लोग तो इकट्ठे हैं, मैंने उनसे कहा लोग तो इकट्ठे हैं, नेता नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि नेताओं को दिक्कत ये आ रही है कि जब आप टूटते हो, जब आप संगठन तोड़ते हो, तो आपका सबसे बड़ा जो अहम होता है ये होता है कि अध्यक्षता मैं करूंगा। ये जो अध्यक्षता करके और भाषण पिलाने का जो आपको रोग लग गया है, ये जो बीमारी है, ये जो विलासता लगी हुई है आपको, जिसको पूरी तरह से एक राग बोलते हैं, ये आपको बार 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 इकट्ठा नहीं होने देता, क्योंकि आप में काबिलियत है नहीं। जिसमें काबिलियत होगी लोग उसको चुनेंगे, उसको मुखिया बनाएंगे या कोई गण व्यवस्था बनाएंगे, तो आपको डर रहता है कि अरे मैं नाकाबिल आदमी हूं, मेरी तो अध्यक्षता प्रेसिडेंटशिप चली जाएगी। तो ये जो बुद्धि विलासता का जो आपको शौक लग गया है, रोग लग गया है, इसकी वजह से लोगों की दिक्कत नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि सारे संगठन एक घंटे में इकट्ठे हो जाएं, और होना पड़ेगा क्योंकि लोगों की इच्छा है, मगर नेता आपके जैसे नेताओं की इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो आपका प्रधान बनने का या जो आपका सर्विसवा बनने का या जो आपको पैसा लोग इकट्ठा करके लाते हैं उसका, या जो आपको एक कहीं ये कहने का कि जी हमारा संगठन है, वो जो आपने पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया है संगठन को, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप बार बार कहते हो, लोगों के दिमाग में ये बात डालते हो कि नेता कभी नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर नेता कभी नहीं इकट्ठे हो सकते तो हमें नेताओं की जरूरत ही नहीं है, आप सब नेता अपने अपने घर जाओ, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। आप इकट्ठे होके आओगे तो हमारे काम के हो, अगर आप इकट्ठे होके नहीं आते हो तो फिर हमारे किसी काम के भी नहीं हो। जब हमारे किसी काम के भी नहीं हो तो हम कम से कम अपना पैसा, अपना रुपया, अपना समय, टैलेंट तो बचा लें, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपनी सेहत ठीक कर लेंगे, टेंशन में तो नहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये नेताओं का सारा कई नेताओं से बात हुई है मेरी, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। एक नेता है जो 45 मिनट तक फोन पे बात हुई, मेरे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बुद्धि है उनकी। बहुत ज्यादा बात होने के बाद उन्होंने कहा संविधान तो ये कहता है कि कितने भी संगठन हो सकते हैं, कितनी भी पार्टी हो सकती है, हम क्यों इकट्ठे हों। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था, तो संगठित होने का पर्पज बताया है कि संघर्ष करना है तो फायदा होना है। आप मुझे ये बताओ कि 10,000 संगठन बना के या अलग अलग संगठन बना के कौन सा संघर्ष आप कर रहे हो? आपस में कर रहे हो संघर्ष, एक दूसरे को नीचे दिखाने का संघर्ष कर रहे हो। बाबा साहब ने क्या ऐसा बताया था कि मेरे 10,000 टुकड़े करना और मैं आपको संविधान में ये एक राइट देके जा रहा हूं? आपको इतना समझ में नहीं आता कि 15% लोग और 7% अगर ST लगा दें तो इन 22% लोगों के कितने टुकड़े करके आप क्या हासिल कर लोगे? आपकी कितनी वॉइस लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में और कितनी आपकी विधानसभा में पहुंचेगी? आपको समझ में नहीं आता कि आपकी वॉइस ही नहीं पहुंचेगी अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे। आप 20 टुकड़ों में जाओगे, 20 टुकड़े खत्म हो जाएंगे आपस में लड़के, तो उनको तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है जहां से आप फाइट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर लोगे अगर हम इकट्ठे नहीं होते? तो हमने कहा हम तो पब्लिक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ इतना करेंगे कि आपका सपोर्ट बंद कर देंगे, हम आपका रसद, आपकी जो सप्लाई लाइन है उसको बंद कर देंगे, हम आपका वोट देने नहीं जाएंगे, हम आपके धार्मिक कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हम आपके जो सामाजिक काम है उनमें नहीं आएंगे, हम आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे, हम आपको चंदा नहीं देंगे, हम आपका झंडा नहीं उठाएंगे, हम आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, हम आपकी पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम आपका यूट्यूब नहीं सुनेंगे, बल्कि हम हर बार हर पोस्ट पर ये लिखेंगे कि आप पहले इकट्ठे होके आओ फिर हम बात करेंगे। लगभग आधा एक मिनट तक खामोशी रही, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं साथ आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस है, आप लोग मेरे पास आ जाइए, दो आदमी। अब पास आने का मतलब है कि अगर ट्रेन से जाएं तो पूरे एक दिन की यात्रा है और जहाज से जाएं तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है, उसके बाद में छुट्टी भी है, ये भी है, मगर मुझे वहां जाने की या मेरे किसी साथी को या जो ऐसा कोई कार्यकर्ता है वहां जाने की जरूरत क्या है, हमें वहां बात करने की जरूरत क्या है? भाई आप सब एक दूसरे को जानते हो, आपके पास टेलीफोन है, आपके पास जूम का सॉफ्टवेयर है, आप मीटिंग कर सकते हो, आप फेसबुक पे बात कर सकते हो, आप अपना बयान दे सकते हो, आप अखबार में दे सकते हो, आप सबको तो जानते हो। अगर आप में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि आप खुद जुड़ सको और हमारी जरूरत है, तो इस बात को आप स्वीकार करो कि आप नाकाबिल लोग हो, आप निकम्मे लोग हो, आप इकट्ठे होने लायक नहीं है, आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब आप इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे होने की काबिलियत नहीं है, हमको क्या इकट्ठा करोगे और फिर हमें क्या जरूरत है आपकी? तो ये सोचो, ये बड़े सारे एक्सपीरियंस इस समय हो रहे हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप बोलना शुरू कीजिए,
कि नेताओं इकट्ठे हो जाओ, हम मारे जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अब कुछ नहीं बचा है, बच्चे हमारे 5 साल में डिप्रेशन में आ जाएंगे या क्राइम की तरफ चले जाएंगे। अगर वो क्राइम की तरफ चले गए तो जेल में सड़ जाएंगे, और डिप्रेशन में आ गए तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनकी सेहत खराब हो जाएगी। अगले 5 साल के अंदर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं या जो हमारे और भाई हैं या जो भी कुछ हैं, ऊपर से ये महामारी है, उनको रोजगार मिलना, उनको काम मिलना, उनको कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। वरना जो ये यंग जनरेशन है भारत की, जो यंग लोग हैं भारत के, अगर ये डिप्रेस में आ गए तो हम भारत को नहीं बचा पाएंगे, पूरे विश्व में हम सबसे नीचे गुलामी में चले जाएंगे। कोई भी सुध नहीं लेगा इसकी जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, और लोग आपको गलियों में दौड़ा दौड़ा के आपका नाम पूछेंगे अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि लोगों में ये आग है इस बात की कि नेता हमारा निकम्मा है, उसमें इकट्ठे होने की समझ तक भी नहीं है। ये लोग जान गए हैं, ये लोग मान रहे हैं, इसको आप समझो। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जनरेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम बाबा साहब का दिया हुआ जो फल था उसको नहीं बचा पाए आपके निकम्मे होने की वजह से। सोचो इसको। धन्यवाद।